मेरा नाम कुरतुलैन है मैं यहाँ डॉक्टर शफक के क्लिनिक में आई हूँ फॉलो अप सेशन के लिए अब थोड़ी सी बैक स्टोरी सुरा बता दू तो मेरा का बहुत इशू था एज से जैसा नॉर्मली लड़कियों का होता है और मेरी बहुत पिटी डॉट बड़ी बड़ी जैसे लिटरली पस होती है उस तरह की एक्नी थी स्टार्ट होम रेमिडीज से लिया जिसमे स्क्रबिंग भी की जैसा यूजली हम लोगों का कॉन्सेप्ट है की फेस पे ऑयली स्किन है तो फेस पे ऑयल नहीं आना चाहिए तो स्क्रबिंग कर करके स्किन का बुरा हाल कर लिया एक्नी तो ठीक नहीं हुई लेकिन स्किन सैक uh, भी करना शुरू हो गई टीन में और uh, एक्नी भी भरना शुरू हो गई डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई लाहौर में भी बहुत डॉक्टर्स हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आते हैं उनके पास भी जाके पैसा अपना और अपना टाइम जाया किया यहाँ इस्लामाबाद में भी काफी डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लिए कुछ डॉक्टर्स के पास तो एक ट्रीटमेंट के लिए गई थी और उसके बाद फिर हुआ ये के पिगमेंटेशन और स्किन और सैक कर गई बहुत बुरे हालात हो गए उसके बाद इंस्टाग्राम पे वन मंथ बिफोर और टू मंथ बैक डॉक्टर शफक का एड

आपको नजर आएगा मेरे जैसे पेशेंट्स जो कि एक्नी और स्किन के लिए जगह जगह खवार हो रहे हैं डॉक्टर्स के पास मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि एक दफा डॉक्टर शफक के पास जरूर आए और अपना एक ट्रीटमेंट लेके देखें मेरा अभी जस्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट और आज मैं फॉलोअप के लिए आई थी और मैं इतनी एक्साइटेड और खुश हूँ अपने ट्रीटमेंट अपने ये रिजल्ट को लेके अब मैं मजीद जो है प्रोसीजर्स अपनी एक्नी के लिए और डिफरेंट और इशूज है उनके लिए मैम के साथ कंसल्ट करूंगी और उनके साथ प्रोसीजर्स लूंगी तो मैं यही सजेस्ट करूंगी के जो भी एक्नी और इस तरह के दूसरे इश्यूज से लड़ रहा है वो मैम के पास एक दफा जरूर विजिट करे बहुत ज्यादा जैसे मेरी एज थर्टी प्लस है अभी मेरी स्किन के ये हालात थे कि मैं फोर्टी प्लस जो यूजुअली लेडीज होती हैं उनकी स्किन जैसी होती है मेरी यहाँ से बहुत स्किन सैक कर रही थी और एक सैड फेस नजर आता था अभी मेरी स्किन बहुत लिफ्ट हो गई है मतलब कोई भी जो मुझे जानता है देखता है वो सा क्लियरली कह सकता है कि मेरी मैंने कुछ कराया है लेकिन क्या वो अब थ्रेड्स हैं पेन बिल्कुल भी नहीं होती एनेस्थेजिया जो है थ्रेड्स क्योंकि यूजली हम वीडियोज देखते हैं मैंने भी देखी थी तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं अंदर थ्रेड्स जा रहे हैं तो क्या अभी मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा कि मेरी स्किन के अंदर कुछ गया है कुछ भी नहीं बिल्कुल नॉर्मल है एक एक स्टार्ट के एक दो दिन जो स्वेलिंग होती है है वो तो थोड़ा फील होता है। उसके बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल है आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो तो थ्रेड्स जो है मैं कहती हूँ वंडर है अगर आप सैगिंग स्किन है और एक्नी है तो जरूर जरूर कराना चाहिए उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं टीन एज से और आई एम थर्टी फोर नाउ तो एक्नी मेरी इनहेरिटेड uh, तो नहीं थी ऑयली स्किन थी अः uh, उसकी वजह से एक्नी एक लाहौर में मेरी एजुकेशन थी पोल्यूशन uh, लाहौर में बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से एक कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कुछ घर में टूट के कुछ ब्लड में वो सब चीजें थी तो हार्मोनल इश्यूज़ वो सब चीजें मिक्स होके सवियर वाली थी मुझे और टीन ऐज से मीनस आप लगा लें ट्वेंटी 20, uh, में ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू की होंगे और आप थर्टी फोर आप अंदाजा लगा लें मतलब कि इतना लम्बा अर्सा मतलब के आप डिप्रेशन में चले जाते हो आपकी स्किन सही नहीं होती आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है तो इतना टाइम स्ट्रगल करने के बाद फाइनली कोई ऐसा डॉक्टर कोई ऐसा ट्रीटमेंट मुझे गया जिसके बाद जो है ना मैं सेटिस्फाइड हूँ मिक्सड रिव्यूज थे पहले तो क्योंकि खुद भी इस फील्ड की हूँ तो पहले रिसर्च चलती रहती है रिसर्च की के खुद भी पता होना चाहिए कि कौन से ट्रीटमेंट्स और कौन से नहीं लेकिन हाँ मिक्सड फीलिंग होती है क्योंकि जब आप इतने डॉक्टर्स के पास होके आए हुए होते हो तो आपको होता है कि आप एक ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो डॉक्टर आपको कोई दूसरा सजेस्ट कर देगा और वो भी ऐसा नहीं होता कि सजेस्ट करेंगे तो उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा तो मिक्सड फीलिंग्स थी लेकिन हाँ मैं आई तरीके से मैम ने ट्रीट किया कंसल्ट किया गाइड किया कि ये ये ट्रीटमेंट है, इस तरीके से जाना चाहिए पहले क्या क्या करवाया है उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं मजीद अगर वो मैं करवाऊंगी फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा था कि मैं फिलर्स क्योंकि पहले भी कराए थे लाहौर में एक डॉक्टर उन्होंने मेरे फिलर्स किए थे कि मैं यहां पे फिलर्स करा लूंगी तो मेरे ट्रीटमेंट जो है वो वो ठीक हो जाएगा मुझे इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर में नहीं पड़ेगा फिर मैम ने मुझे ड्रॉबैक्स उसके बताया कि क्या कुछ हो सकते हैं खुद भी जाकर सर्च किए तो हाँ समझ में आई चीज तो नेक्स्ट डे फिर जब मैं यहाँ को मैं ना लिया कि अच्छा चलो गो फॉर इट यहाँ पे इतने ट्रीटमेंट्स कराए वो करा लेना चाहिए तो फिर अगले दिन जो है मैं ट्रीटमेंट कराया तो अभी वन मंथ भी नहीं हुआ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी रिसर्च करनी चाहिए डॉक्टर्स के पास आप जाने से पहले अपनी रिसर्च करें पहले सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि खुद को पता होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग डॉक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं मुझे इतनी नॉलेज होने के बावजूद मैं इतने डॉक्टर्स के पास खबर हो चुकी हूँ लेकिन यह कि रिसर्च करें अपनी बाकी डॉक्टर के पास आए डॉक्टर आपकी स्किन देख के बस सजेस्ट करेंगे कि ये ये ट्रीटमेंट्स हैं और इनके ये ये फायदे और ये ये ड्रॉबैक्स हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए रिव्यूज होते हैं जैसे मैंने मैम आमना का डिटेल रिव्यू था जिसमें उन्होंने खुद से बताया हुआ था उनके बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर के पिक्चर्स भी थी वीडियोस भी थी उन्होंने अपना रिव्यू दिया हुआ था रिव्यूज जो है वो मेन चीज होती है अगर जैसे आज मैं बैठी रिव्यू दे रही हूँ तो हो सकता है की मेरी जर्नी देख के कल को कोई और मेरी जगह बैठ के रिव्यू दे रहा हो रिव्यू चेक करें डॉक्टर के एक दफा विजिट जरूर करें डॉक्टर से बात करके देखें कि वो आपको बात करके पता चल जाता है कि एक डॉक्टर जो है वो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है फिर आपका दिल मान है, तो आप गो फॉर इट और मैं डॉक्टर शफक का तो सजेस्ट करूंगी क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जरूर जरूर एक दफा विजिट करें मायूस नहीं होंगे